अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे मूंगफली की स्नैक, मसाले वाली बेसन की मूंगफली। इसे बनाना बहुत आसान है। आइए, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हम आपको दिखाते हैं। यह हमने 250 ग्राम मूंगफली ली है और 100 ग्राम बेसन लिया है। यह हमने आधा चम्मच सफ़ेद नमक लिया है जो सादा नमक है, आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है और एक चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। ये एक चौथाई चम्मच काली मिर्च ली है जो घर की पिसी हुई है, आधा चम्मच हमने ये देगी मिर्च ली है कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, और आधा चम्मच से कम हमने ये लाल मिर्च ली है। एक चौथाई चम्मच जिंजर पाउडर, यानी हमने इसे अदरक का पाउडर लिया है, और ये डेढ़ चम्मच हमारा चावल का आटा है, और आधा कप हमारा सिरका है, वाइट सिरका जो सब्जियों के लिए होता है, सलाद वगैरह के लिए वो लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये मूंगफली एक बाउल में डाल ली है। विनेगर डालेंगे अपना, ये सफ़ेद सिरका डालेंगे और इसे चम्मच से चला देंगे। और इसमें अब हम मसाले मिला देंगे। ये लाल मिर्च है हमारी, जिंजर पाउडर, वो कश्मीरी लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च है, ये काली मिर्च है, और ये काला नमक है, ये सफ़ेद नमक है, और आधा हम इसमें से ये चाट मसाला है, आधा हमने डाला, आधा बाद में डालेंगे। विनेगर से ये बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। आप एक बार बना के देखिए, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आइए अब इसमें डालेंगे हम ये चावल का आटा, इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगी, करारी करारी। और ये हमारा बेसन है, अब इसमें एक दो चम्मच हम पानी डालेंगे, इन्हें मिलाएंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, अगर तब तक की कोट नहीं होती। आइए इसमें हम हींग भी डालेंगे, जो हम पहले शुरू में रह गई थी हमारी, अच्छे से मिला लेंगे। हमारी दो चुटकी हींग चली जाएगी इसमें सारे में। देखिए, हमें ऐसा टेक्सचर रखना है इसको, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। पानी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कम लगे तो आप सही से डाल सकती हैं, बिल्कुल ऐसा रखना है। ये देखिए, और हम इसमें से इन्हें डालना शुरू करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, हमारा गैस तेज हो रहा है, बिल्कुल मीडियम कर लिया है हमने। हमें इसे एक से डेढ़ मिनट तक चलाना नहीं है, एक मिनट तक हम इसे ऐसे ही बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ऐसे ही रहने देंगे। फिर मीडियम आंच पे इसको तल लेंगे अच्छे से। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, मीडियम आंच पे इन्हें अच्छे से तल लेंगे। ये
देखिए हमारे बिल्कुल करारी हो चुकी हैं, ये 3 से 4 मिनट में हो गई हैं। ये देखिए हमारी सारी तल के तैयार हो चुकी हैं। अभी ये गर्म है तो ये सॉफ्ट है मूंगफली, यानी नरम है, लेकिन थोड़ी देर में जब ठंडी हो जाएंगी एकदम करारी हो जाएंगी क्रिस्पी। और ये हमारा चाट मसाला है जिसमें हमने थोड़ी सी देगी मिर्च मिलाई है कलर के लिए, और इसको हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे। इसमें अगर कोई जुड़ी हुई है तो उसे आप हाथ से इस तरीके से खोल सकते हैं, ये देखिए। और ये अच्छे से हमारा मसाला इसमें मिल गया है। चाट मसाले में थोड़ी सी देगी मिर्च मिलाने से इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है, ये देखिए। आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, एक बार ट्राई ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें।